अर्ली मॉर्निंग इवान उठने के बाद जब फ्रिज खुलता है तभी इवान के छोड़े हुए शॉर्ट नोट पाता है जहाँ लिखा होता है कि मैंने आपके पसंदीदा खाना बनाई है, उन्हें खाना ना भूले, ब्राउन शुगर के साथ ग्रीन टी पीने से श्री दर्द से राहत मिलेगी, बार बार बाहर खाना सेहत के लिए हानिकारक है, ज्ञान जब मैं अब बाहर हूँ तो तुम अपना ख्याल रखना, रेगुलर अपना खाना समय से खाना। उसके बाद वो और एक शॉर्ट नोट देखता है जहाँ लिखा होता है कि इवान मैं ये फाइल आपके पास छोड़ रहा हूँ। हम इवान को न्यूयॉर्क में देखते हैं। वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देने के बाद अपना लैपटॉप क्लोज करके इवान के दिए हुए ब्रेसलेट अपने हाथ में लेकर उसके बारे में सोच रहा होता है और यहाँ इवान भी उसके बारे में ही सोचता है। न्यू ईयर लिली किवान और चानपांग को साथ डिनर करते हुए देखते है। यहाँ किवान बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। लिली उसे ऐसे देखकर उसे कहती है पीना बंद करो, आपने कुछ भी नहीं खाया है, यह आपके लिए बुरा है। किवान कहता है हैप्पी न्यू ईयर। लिली कहती है हैप्पी न्यू ईयर किवान, मैं बोर हो गया हूँ, क्या नाइट मार्केट जाना चाहते है? किवान कहता है नहीं। लिली कहती है क्यों नहीं, मैं साल में केवल एक बार वापस आता हूँ, हॉलीडेज के बाद मुझे हॉस्टल वापस जाना पड़ता है। चानपांग युआन से कहता है तुम्हें जाना चाहिए। युआन कहता है मुझे रहने दो, चानपांग उसके साथ जाओ, लिली तुम उसके साथ जाओ। यहाँ लिली नाराज हो जाती है। चानपांग उसे कहता है लिली अपना कोट ले आओ। युआन कहता है मेरे लिए कुछ स्वीट पोटेटो बॉल लाना, ठीक है, जहाँ से हमें मिलता था। लिली कहती है हाँ ठीक है, ऐसे कहकर वो कोट लाने जाती है। यहाँ चानपांग उसे रूठ होकर कहता है क्या तुम्हें अपनी बहन की ज़रा परवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम हर दिन ऐसे ही होते हो, मुझे उसे रहने देना चाहिए था कम से कम तुम। तभी वहाँ लिली आकर कहती है मैं रेडी हूँ, यहाँ क्या चल रहा है? चानपांग कहता है चलो हमें जाना चाहिए, उसे इग्नोर करो। तभी किवान कॉल रिंगटोन सुनकर रिसीव करने के लिए आते हैं, लेकिन उसे थोड़ा चक्कर आता है और चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देते। रिसीव करने के बाद वो गिर गया। यहाँ फोन में इवान होता है। इवान कहता है हेलो हैप्पी न्यू ईयर, लिली क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्या तुम घर पर हो? चानपांग जवाब क्यों नहीं दे रहे है। यहाँ इवान बहुत घबरा जाते है। चानपांग कहता है हेलो तुम्हारा भाई अभी ड्रंग में है, इसकी चिंता मत करो, ओके बाय। लेकिन इवान उसके बारे में बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। चानपांग उसे उठाते हुए उसे कहता है क्यान उठो बताओ तुम क्या कर रहे हो। यहाँ किवान उसे पूछता है लिली कहाँ है। चानपांग कहता है नाइट मार्केट में। किवान कहता है तुम अकेले वापस क्यों आए? चानपांग कहता है किवान ने कॉल किया, अगर मैंने फोन नहीं उठाया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये हुआ है। क्या बात है, क्या तुम टूट गए हो या वो पुरानी बीमारी? किवान कहता है मैं ठीक हूँ। चानपांग कहता है तुम एडल्ट हो, यह ठीक नहीं है, देखो उन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में जानना चाहिए, ऐसे कहकर वो इवान को कॉल लगाने के लिए फोन टाइप करता है। यहाँ किवान उसे रोकते हुए कहता है अभी उन्हें मत बताओ। चानपांग उसे कहता है तो फिर अपने आप को संभालो, अपने आप को देखो, इवान एब्रॉड में अपनी पढ़ाई पर कैसे फोकस करेगा। किवान कहता है मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर तुम उसे बता दोगे तो वो तुरंत वापस आ जाएगा, मैं उसे वापस आने का कोई कारण नहीं दे सकता, क्या तुम यह नहीं समझते? चानपांग कहता है क्या आपके मन में युआन के लिए फीलिंग्स है, मुझे जवाब दो। तभी क्यूआन वहाँ से जाते हुए उसे डाइनिंग टेबल साफ करने के लिए कहता है। चानपांग कहता है मैं इसे संभाल लूंगा, तुम जाकर सो जाओ। क्यूआन कहता है मैं ठीक हूँ, जाओ और लिली को घर ले आओ। चानपांग पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो? क्यूआन हाँ कहता है। चानपांग कहता है दोबारा नीचे मत आना, मैं लिली को लेने जाऊंगा। सुबह जागने के बाद युआन अपना फोन चेक करते हैं और युआन के दिए हुए मैसेज वो रीड करता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, दर्द का टेस्ट वास्तव में एक पर्सन को चेंज कर सकता है, जो तुम चाहते हो उसे ना पाने का भ्रम चिंता ईर्ष्या अंततः गायब हो जाएगा, मुझे अब पता है, मेरे जाने के बाद जब तक तुम खुश हो यही सब मायने रखता है, मेरी चिंता मत करो, अपने प्रति अच्छा व्यवहार करो। एसएमएस देखने के बाद वो इवान के रूम में आते हैं और डेस्क को टच करता है और बहुत दिनों से साफ ना करने के कारण बहुत धूल वहाँ जमा होता है। यहाँ किवान को उसके लिए छोड़े हुए एक लेटर उसे मिलता है जहाँ लिखा होता है हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर गुड बाय कहना ही पड़ता है, यह सिर्फ समय की बात है, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्या होगा अगर कुछ हो जाए और तुम्हें कभी पता ना चले कि कोई
ऐसा भी था जो तुमसे इतना प्यार करता था, इसलिए क्यूआन मुझे ज्यादा समय तक दूर मत रहने दो। मुझे अपना चेहरा, अपनी आवाज और तुम्हारे बारे में सब कुछ भूलने में मत देना। अगर ऐसा समय आता है जब हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और गुड बाय कह दूंगा। कम से कम एक कन्फेशन के साथ यहाँ इवान उसे सेंड किए गए SMS को रीड कर रहा होता है, जहाँ क्यूआन का एक भी रिप्लाई वहाँ नहीं है। वो उसके बारे में ही ऐसे सोचते हुए उसे कॉल लगाता है, लेकिन क्यूआन रिसीव नहीं करता है। नेक्स्ट क्यूआन को फेंग के साथ देखते हैं। फेंग पूछता है, मैंने तुम्हारे भाई को इतने समय से क्यों नहीं देखा। क्यूआन कहता है वो एब्रॉड में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रहा है। फेंग कहता है तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा क्यूआन मुझे उसके भाई की केयर ना करने के लिए दोषी ठहराएगा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम लोगों के बीच क्या हुआ, तुमने उसे अचानक एब्रॉड क्यों भेज दिया। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, जब मेरी वाइफ चली गई तो मैं बहुत दुखी था, इतना दुखी कि मैंने एक भिक्षु बनने का फैसला किया। मैं मंदिर गया, उपवास किया और यह सब किया, लेकिन एक महीने के भीतर मुझे बाहर निकाल दिया गया। तुम्हें पता है क्यों? बॉस ने कहा कि मेरे दिल में कुछ ऐसा था जिसे मैं सो नहीं सकता था। यह सब हर दिन मेरे दिमाग पर हावी था, इसलिए एक महीने से भी कम समय में उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। मैं उस समय वास्तव में सबसे लोलेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया था। मैं फिर कभी ऊपर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन फिर मेरी मुलाकात एक यंग बॉय से हुई। वो यंग था, लेकिन उसने अपने भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। मैंने इस यंग को देखा और अचानक मुझे समझ आ गया, लाइफ इतना हार्ड नहीं है, हम इसे खुद ऐसा बनाते हैं। यहाँ एक लड़का उसे पूछता है वो यंग बॉय कौन है। एक्चुअली गाइस वो यंग बॉय क्यूआन है। नेक्स्ट क्यूआन को क्यूआन के रूम साफ करते हुए देखते हैं। यहाँ इवान ब्रेसलेट को टास्क करते हुए उसके बारे में ही सोच रहा होता है। और यहाँ मॉर्निंग क्यूआन इवान के रूम साफ करने के बाद बेडशीट बदलते हैं। ऐसे बहुत महीने बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हमेशा याद करते हैं। अब क्यूआन घर पर एलन रहने लगा, क्योंकि लिली हॉस्टल में रहती है और क्यूआन उन दोनों को बहुत मिस करता है। ऑफिस से आने के बाद क्यूआन वही उन दोनों को मिस करते हुए बैठे होते है और इवान के SMS देखते है, जहाँ लिखा होता है कि लिली ने मुझसे कहा कि तुम देर से काम कर रहे हो, हैप्पी बर्थडे क्यूआन और हैप्पी न्यू ईयर। यह देखकर क्यूआन उसे कॉल लगाता है और अचानक से कॉल खुद काट कर दिया। तभी युआन उसे रिकॉल करता है। क्यूआन कॉल रिसीव करता है। तभी युआन मुस्कुराते हुए उसे कहता है क्यूआन हैप्पी बर्थडे। युआन कहता है ओह क्या तुम ठीक हो। युआन कहता है हाँ मैं हूँ, मैं अपना खुद का रिसर्च शुरू कर रहा हूँ और मेरी अपनी टीम है। युआन कहता है मैं जानता हूँ, तुमने टेक्स में इसके बारे में बताया था। युआन पूछता है क्या घर में सब कुछ ठीक है, कामकाज कैसा चल रहा है। क्यूआन कहता है ठीक ठाक है। क्यूआन कहता है लिली के बारे में क्या, क्या वो अच्छा कर रही है। क्यूआन कहता है वो बहुत अच्छी रही है और कुछ। क्यूआन कहता है नहीं। तभी क्यूआन बाय कहकर कॉल कट कर दिया, लेकिन क्यूआन उसे कुछ बताना चाहता था। क्यूआन हमेशा की तरह क्यूआन के कमरे में जाकर बैठे होते है उसे मिस करते हुए, और क्यूआन भी उसे मिस करता है। यहाँ क्यूआन उसे SMS सेंड करता है कि तुम्हें घर की याद आती है तो वापस आ जाओ। यह देखकर क्यूआन हो गया। लिली स्टडी कंप्लीट करने के बाद घर वापस आती है। वो क्यूआन को आवाज देती हुई एक मैगजीन देखते हैं और वो कहती है यह मैगजीन है जिसमें मैं छपा हूँ और मैंने सोचा कि क्यूआन को केवल क्यूआन की परवाह है, मुझे लगता है कि उससे भी मेरी परवाह है। तभी वो नोटिफिकेशन सुनकर अपना फोन चेक करती है। क्यूआन उसे SMS सेंड करता है कि मुझे पता है कि तुम आज रात वापस आ रहे हो, आज रात में एक बिजनेस डिनर रख रहा हूँ तुम्हारे लिए, टेबल पर रखा हुआ है तुम उसे गर्म करके खा लेना, मैं कल चांदबांग को बढ़िया खाना लाने के लिए कहूँगा। लिली खाना देखती है, तभी वो वहाँ किसी को देखकर स्माइल करती है। यहाँ क्यूआन बहुत ड्रंक होता है, एक लड़का उसे घर छोड़ने के बारे में बात करता है। तभी क्यूआन उन सभी से कहता है मैं मिस्टर वी क्यान का भाई हूँ, मेरा नाम वी जीवान है, मेरा भाई अपनी शराब ठीक से नहीं पकड़ पाता, मैं उसे घर ले जाऊंगा। यहाँ क्यूआन उसे देखकर कहता है क्यूआन तुम, क्यूआन कहता है हाँ क्यूआन, ऐसे कहकर उसे
टैक्सी में बिठाते हैं। इवान कहता है, तुमने अचानक ऐसा क्यों किया, अचानक वापस क्यों आया। इवान उसके ग्लास और टाई खोलकर कहता है, क्या आपने मुझसे नहीं कहा कि मैं घर वापस आ जाऊं। इवान कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इवान कहता है, क्यों, थोड़ा सो लो, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। इवान ज्यादा ड्रिंक करने के कारण उल्टी करता है। यहाँ लिली इवान से कहती है, इवान तुम्हें पता नहीं है, हर बार जब वो किसी बिजनेस डिनर से वापस आता है तो उसका यही हालत होता है। इवान कहता है, मैं ठीक हूँ, बस इसी तरह बिजनेस डिनर होता है, उसे पीना पड़ता है। इवान उसे कहता है, अगली बार उन्हें बताइए कि आपका छोटा भाई वापस आ गया है और उसे आपका शराब पीना पसंद नहीं है, अगर आप शराब पीते हैं तो आपको सजा मिलेगी। लिली कहती है, इवान अब आप अलग है। इवान लिली से कहता है, एक लड़की के साथ हमारे फोटो, इसके बारे में तुम क्या कहोगे। लिली कहती है, एक आदमी को एक उचित आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए, बकवास मत करो। इवान कहता है, कौन बकवास कर रहा है, मुझे लगा तुम किसी लड़के को डेट कर रहे हो। लिली कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं बस दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था और किसी ने हमारी फोटो साथ खींच ली। क्या मुझे कोई लवर मिलना चाहिए, क्या मुझे कैसा लवर मिलना चाहिए, इसके बारे में बताओगे। इवान कहता है, इवान उसका कोई बॉयफ्रेंड है। लिली कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा मत सोचो, मैं एब्रॉड भी गया हूँ, हमारा स्टोर लगभग समान है। इवान कहता है, तो क्या मैं खुद को तुमसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ लिली बाहर चली जाती है और इवान उसे फिर सताने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं और बाहर दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह बहस कर रहा होता है। इवान ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। सो गाइस, यही पूरी एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।